बाड़मेर जिले के क्षेत्र अगड़ावा में किसान संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भीका राव प्रजापत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान संगठन बनाकर संघर्ष करेंगे तो हम किसानों की हर समस्याओं को निवारण करवाएंगे। रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र में नगर के वाल्मीकि समाज की ओर से भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के सम्मानित व्यक्तियों का वाल्मीकि समाज की ओर से फूल माला पहनाकर एवं सर पर पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी दुर्गा सिंह ने शोभा यात्रा का फीता काटकर शुभारंभ किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह चौहान है। ये आज नगर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरीके से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाता है और क्या कहाँ तक ये यात्रा पहुँचती है? विगत 15-20 वर्षों से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि ये शोभा यात्रा मणि मंदिर से शुरू होकर वाल्मीकि मंदिर तक प्रतिवर्ष जाती है। इसका समय 1 बजे से और 6:30 बजे तक रहता है। हर वर्ष शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के लोग नगर के सम्भ्रांत व्यक्ति को बुला करके उन्हें सम्मानित भी करते हैं और सभी व्यक्ति एक मेल भाव से बना करके इस शोभा यात्रा को निकालते हैं, जिसमें सभी का योगदान बराबर से रहता है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि को सभी लोग दिल से और मन से मानते हैं और उन्हें पूछते हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में सभी इतने गणमान्य व्यक्ति होते हैं क्षेत्र के, नगर के, सब इसमें उपस्थित रहते हैं। अपने स्तर से जो भी योगदान होता है वो भी करते हैं और साथ रह करके इनकी झांकियों का भी आनंद लेते हैं और भगवान वाल्मीकि के बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार वाल्मीकि, भारतीय वाल्मीकि समाज का तहसील अध्यक्ष। ये आज वाल्मीकि शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, कहाँ तक यात्रा पहुँचती है और किस तरीके से इसका शुभारंभ किया जाता है? ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये वाल्मीकि शोभा यात्रा मणि मंदिर टांडा से होकर के हनुमान मंदिर बाली तक जाएगी। बस समापन इसका जो है वो वाल्मीकि बस्ती में होगा। किस तरीके से शोभा यात्रा का लोग स्वागत करते हैं और क्या संदेश जो है शोभा यात्रा से समाज को मिलता है? शोभा यात्रा से जो संदेश है वो भाईचारे के हिसाब से होता है। हर साल इसको निकालते हैं हम लोग और वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, इससे ये संदेश जाता है कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जिस तरीके से आज शोभा यात्रा का शुभारम्भ हो रहा है तो कैसे कैसे लोगों का योगदान इस शोभा यात्रा में रहता है? आज यहाँ वाल्मीकि शोभा यात्रा में जो है यहाँ मंदिर कमेटी ने वाल्मीकि समाज का स्वागत किया, चाय नाश्ते का प्रबंध कराया और वाल्मीकि समाज की तरफ से जो अतिथि आए थे उनका सम्मान पगड़ी बांधकर किया गया। मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में एक स्कूटी सवार महिला की रोडवेज बस से मामूली साइड लगने पर महिला ने रोड पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया और कंडक्टर की जमकर पिटाई भी कर डाली। इस हंगामे को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस हंगामे की वजह से रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे जाम को खुलवाया और बस ड्राइवर को अपने साथ थाने ले आई। एक प्रकरण संज्ञान में आया है शाम को लालकुर्ती क्षेत्र में, जहां पर एक बस ड्राइवर के साथ में एक महिला के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। बस महिला का आरोप है कि उसकी स्कूटी जा रही थी और बस ड्राइवर से उसको टक्कर लगी थी। इस प्रकरण में पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और संज्ञान में जो भी प्रकरण आए हैं उसकी जाँच हो रही है। महिला ने इस तरह से दावा किया है कि उसका फौज से कोई रिलेशन है, लेकिन जो भी अभी प्रकरण आया है उस पर जाँच की जा रही है कि क्या रिटायर कर्मी है या फिर वर्तमान में वो पोस्टेड है। मेरठ के दरौला में एक युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हत्या की वजह एक तरफा प्यार होना बताया जा रहा है। हत्या करने के बाद आरोपी तमंचा लेकर थाने पहुंच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपक क्यों मारा आपने? किसको मारा? आरती कौन थी? मौसी की लड़की थी। तो क्यों मारा आपने मौसी की लड़की को? गाली दे रही थी, उल्टी सीधी बोल रही थी मुझे। जब भी मैंने फ़ोन करा उसके बाद तभी उल्टी सीधी।
और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, घर को नहीं समझाया, सबने समझाया, किसी की नहीं आई, मानना नहीं चाह रहा था मैं उसको। कैसे मारा उसको? छिन्ना झपटी में जैसे होती जब गोली लगी उसकी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गणेशपुर। गणेशपुर के जी। और आपकी आरती? लोहिया। तो आप प्रेम प्रसंग था क्या था? अब तो कुछ नहीं था, 1.5 महीना से गाली देने ही शुरू कर रही थी। पहले क्या था? पहले प्रेम था मेरा उसके साथ। कैसे मिले थे आप उनसे, मतलब कैसे कहा था? 1.5 साल के लगभग हो गया था। सगी मौसी की लड़की से? जी। सर, दोराला थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है सर, क्या पूरा मामला है सर? दोराला थाना क्षेत्र में एक लड़की को उसके सगे मौसेरे भाई के द्वारा एक तरफा उसको चाहा गया, लड़की के द्वारा उसका इनकार किया गया। इस इनकार से वो आहत हुआ। आज चूँकि सगी रिश्तेदारी थी, आज सुबह लड़की घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने लड़की को बुलाया, लड़की जैसे ही दिखाई दी उसने तमंचे से उसे फायर कर दिया, लड़की की मृत्यु हो गई। फिर तमंचा लेके खुद थाने पहुंच गया जहां उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सारी चीज़ों की छानबीन की जा रही, तथ्यों को साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, परिस्थितियों को देखा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मझोली राज कस्बे के नदाबर पुल के पास एक स्कॉर्पियो ने पहले एक बाइक में टक्कर मारी जिस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई और उसी समय स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर टेम्पो से जा टकराई जिससे टेम्पो में सवार 1 की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील के ग्राम ननियाखेड़ा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ लापरवाह 2 शिक्षक 15 अगस्त को झंडा वंदन करने नहीं आए थे। आरोप है कि ये दोनों अधिकतम समय अनुपस्थित रहते हैं। शिकायत करने पर पत्रकारों और ग्रामीणों के सामने जांचकर्ता अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की गई। शिक्षकों ने बचने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया फिर भी शिक्षक दोषी पाए गए। खैर, अब जानना यह है कि सरकार ऐसे लापरवाह शिक्षक पर क्या कार्रवाई करती है। नियुक्त में प्रहलाद सिंह खींची उपस्थित होकर शिकायत पत्र क्रमांक शिकायत 2019Q सुजालपुर 27/9/2019 की जांच की गई। जांच में पाया गया श्री प्रहलाद सिंह देशवाली सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय नानियाखेड़ी दिनांक 23/9/2019 को समय प्रातः 11:30 शाला से अपने निजी कार्य हेतु गए जिसकी सूचना पंजी में सूचना अंकित कर शाला का प्रभार श्री दिनेश कुमार पंचाल जी को सौंपा गया। शिक्षक उपस्थिति पंजी में श्री पंचाल जी द्वारा 1/2 CL लगाई गई। सूचना पंजी पर सूचना अंकित पाई गई। मैं प्रहलाद सिंह खींची जांचकर्ता घोषित करता हूं कि जो तथ्य एवं साक्ष्य मेरे द्वारा देखे गए उनका कथन उपरोक्त में अंकित किया गया है। जो सूचना पंजी है उसमें आपने देखा और सूचना पंजी एक ऑथेंटिक शासकीय डॉक्यूमेंट है, होता है, आप इसका कहीं पे भी जांच करवा सकते हैं। सर, इसके संबंध में इन्होंने उच्च अधिकारी को अवगत करवाया था कि मैं विद्यालय छोड़कर जा रहा हूँ। संबंधित शिक्षक द्वारा बताया गया है कि उन्होंने एक जनशिक्षा केंद्र पर एप्लीकेशन दी है और उसको दी गई है क्या दी है उसके आपने ये मुझे अभी वो एक्सेप्ट उन्होंने ये इसमें जांच का वो नहीं था। जांच का जो यहाँ पे है कि वो बिना सूचना के गए थे, यहाँ पे सूचना पाई गई है, जांच की गई, सूचना देखी गई, हाफ सीएल लगी गई, बाकी आगे की जो भी कार्रवाई के लिए आप सभी सादर प्रेषित हैं। कोई गांव वाला अगर कोई बोल देता है कि आज ज़्यादा पानी है और अगर वो मना कर देंगे तो स्कूल में आना चाहिए, ऐसा नियम के अनुसार है क्या? देखिए, यदि कोई शिक्षक बाहर का है, आसपास से भी यदि पानी घिरा हुआ है तो आप खुद जानते हो कि ऐसे में शिक्षक का आना, क्योंकि वो भी एक मानव है, उसको आना संभव नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक गांव और है, वो भी तो सर वहीं से आए हैं, वो कैसे आए हैं? सर, आप एक जांच कर ली, एक मिनट, ये जो मैंने जांच थी, मेरी जो जांच थी वो मैंने चर्चा कर ली आपसे, आप इसकी चर्चा सर से करिए, है ना? और सर, जो आपने इतने गांव वाले इकट्ठे किए, कौन से विषय पे इकट्ठे किए थे? ये जो जांच करने की आप जांच कर रहे थे तो जो गांव वालों को इकट्ठे किया था, कौन से विषय पे किया था? देखिए, जो भी जाँच होती है समस्त सभी के समक्ष यदि जाँच की गई तो उस लिखित दिया गया था सर कि आपको गाँव वालों को इकट्ठा होने
यदि आप मुझे बताइए किसी भी पारदर्शिता के लिए लोगों का होना अच्छा बात है या नहीं है। लिखित में आप क्योंकि उसने आप शिकायत करता थे, आपका होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य था। अब दूसरी बात है, सुनिए, नहीं सुनिए, अब दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा निकाला या नहीं निकाला वो बात की बात है, लेकिन हम जब यहाँ से आए कुछ आवेदन प्रेषित करवाया था किस संबंध में, झंडा वंदन कि मैं झंडा वंदन करने नहीं आ सकता। लिखित में भी दिया था और मौखिक रूप से भी हमने सभी को मोबाइल से भी सूचना दी थी। मौखिक तो जहाँ तक कोई चीज मान्य नहीं रहती है, बाकी लिखित लिखित में हमने बीआरसी को दिया था। सर आप उस दिन नाले तक भी आ सकते हैं, का नाम क्या है? आए थे ना नाले तक आए थे सर, श्री जसवंत सिंह बैस। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चार सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में रोजगार सेवकों का धरना दूसरे दिन क्रमिक अनशन में बदल गया। किसी अधिकारी की ओर से इसका संज्ञान नहीं लेने के कारण रोजगार सेवकों में खासा रोष है। ग्राम रोजगार संघ के तत्वावधान में रोजगार सेवकों ने वर्ष 2018-19 व 2019-20 के लंबित मानदेय का भुगतान रोजगार सेवकों को एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध कराने, एपीएफ कटौती कराने व रोजगार सेवकों का शोषण बंद करने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था। अनशन के दौरान रोजगार सेवक की भुखमरी से मृत्यु हो गई, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पर्चे बताइए। मैं जमाल अख्तर, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद बलिया जी। क्या मामला है, यहाँ धरना बैठे हैं? मामला ये है कि हम लोग की मांगे, मुख्य मांग ये है कि विगत 24 माह से हम लोग के मानदेय नहीं मिल रहा है जी। और दूसरा मांग ये है ईपीएफ, तीसरा मांग है एंड्रॉयड मोबाइल, और चौथी मांग है ग्राम रोजगार सेवकों का उत्पीड़न जी। बिल्कुल, हम लोग 6 माह से जिले के संबंधित अधिकारियों के पास गए, जिलाधिकारी महोदय के पास गए, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास गए, उपायुक्त श्रम रोजगार महोदय के पास गए, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग अपनी मांगों को कहते आ रहे हैं, मांगते आ रहे हैं, आज आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। क्या आपने इतने दिन तक अधिकारी नहीं सुने आपकी बातों को, तो क्या आपको उम्मीद है आगे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, इस वजह से हम लोग धरने में बैठे हैं, मजबूर होकर धरने में बैठे हैं। और इसके बावजूद भी आपकी समस्या नहीं सुनी जाती तो क्या करेंगे आगे? अनशन करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है। आ गए हैं, आकर बैठ गए यहाँ, यहाँ से जाने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर्चे बता दीजिए। जी, मैं ग्राम रोजगार सेवक संघ से जिला महामंत्री त्रिविक्रम पांडे गगन जी। क्या मामला है? जी, हम लोगों का मानदेय विगत 24 माह से नहीं मिल रहा है, और इसी के अति तनाव के वजह से हमारे बीच का साथी एक आज हम लोग के बीच नहीं रहा, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, अपने बाल बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करने की चिंता की वजह से। तो क्या आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं आप? ये हमारे पूरे अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि कम से कम अगर वो हम लोगों से काम करवा रहे हैं तो जो सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्धारित किया गया है मानदेय, न्यूनतम मानदेय जो निर्धारित किया गया है, कम से कम समय से वो उपलब्ध करा देते तो आज हमारे बीच से वो हमारा साथी नहीं गया होता। मतलब 24 महीने से मानदेय न मिलने की वजह से तो उनकी हालत ऐसी बन गई। हाँ, कितने बजे डेट उनका हुई? आज लगभग सुबह में 4 बजे करीब में हुई है।